आप लोग ने एक चीज जरूर सुनी होगी कि इलेक्ट्रिक ही फ्यूचर है, बट इस फ्यूचर को पूरा करने के लिए आजकल ऑटो मेकर्स इस रेस में लग गए हैं, जहां पर वो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बनाने की रेस में लग गए हैं। अब रेस में तो बहुत से लोग दौड़ते हैं, लेकिन पहचाना वही जाता है, जाना वही जाता है जो सबसे तेज दौड़ता है। और इस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की टू व्हीलर की रेस में सबसे तेज एथर 450X दौड़ता है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा रिवॉल्यूशन है, और जहां पर एक बड़ा चेंज होता है तो लोगों के बड़े बड़े सवाल भी आ जाते हैं, जिनका जवाब दे पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए आज मैं आप लोग के लिए एथर 450X लेके आ गया हूं, जिसमें मैं आपको इस स्कूटर के बारे में वो आपके सवालों के जवाब दूंगा जो आप लोग जानना चाहते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेने से पहले या फिर किसी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर पैसा लगाने से पहले। तो जानते हैं सारे सवालों के जवाब जो आप लोगों ने पूछे हैं आज इस एथर 450X के बारे में मेरे साथ। तो मेरा नाम है फराज, और आज हम लोग देखने वाले हैं सभी सवालों के जवाब एथर 450X के बारे में। क्या आप लोगों ने कभी लाइफ में कोई इंटरव्यू दिया है या फिर इंटरव्यू के बारे में सुना है, तो सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछा जाता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, यानी आप अपने बारे में बताइए। और जब आप लोग अपने बारे में बता देते हैं, और फिर उसके बाद इंटरव्यूअर आपसे सवाल करता है कि आप थोड़ा सा और अपने बारे में बताइए और जो कन्फ्यूजन है या फिर आपके जो इंटरेस्ट हैं उसके बारे में जानता है। और इसी चीज़ को फॉलो करते हुए आज की इस वीडियो में मैं आपको पहले इस एथर 450X के बारे में बता देता हूं, और फिर मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा जो आप लोग जानना चाहते हैं। तो ये जो एथर 450X स्कूटर है, ये एथर एनर्जी ने बनाई है, जो हमारे इंडिया का ही स्टार्टअप है, जो कि एक बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है। और ये चीज़ तो आप लोग पहले से भी जानते होंगे, क्योंकि अब ये बहुत कॉमन हो चुकी है। लेकिन अब मैं आपको वो बताता हूँ जिसके लिए ये स्कूटर जानी जाती है, 450X का नाम जाना जाता है, और वो है इसकी परफॉर्मेंस। अब इस स्कूटर में सबसे अच्छा है इसकी परफॉर्मेंस, यानी इसका पिकअप। अब पिकअप की जहां बात आती है, तो इस स्कूटर में आपको 26 Nm का टॉर्क मिल जाता है। और ये 26 Nm का टॉर्क आपको समझाने के लिए मैं ऐसे बता सकता हूँ कि जो TVS की अपाचे 204V आती है, उसमें भी 26 Nm का टॉर्क नहीं मिलता। बजाज की डोमिनार 250cc आती है, जो एक टूरर मोटरसाइकिल है, उसमें भी इतना टॉर्क नहीं मिलता, क्योंकि एथर 450X में उतना टॉर्क मिलता है जो कावासाकी वर्सेस 300cc में आता है, जो कि एक स्पोर्ट्स बाइक है। तो ये एथर 450X सिर्फ 3.3 सेकंड में 40 किलोमीटर पर आर की स्पीड को पकड़ लेती है। लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटर की परफॉर्मेंस को जानने के लिए खाली पिकअप ही मायने नहीं रखता है, बल्कि कुछ और चीज़ें भी होती हैं। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल में तो आप लोग चार्जिंग टाइम भी देखते हैं, ये भी देखते हैं कि एक बार चार्ज करने में गाड़ी कितना चलेगी। तो आइए इन्हीं सारे सवालों के जवाब देते हैं इन क्वेश्चन आंसर सेशन में। तो मान लीजिए कि आपने इस एथर 450X को खरीद लिया, और इसको खरीद के जब आप अपने एरिया में जा रहे हैं, अपने घर की तरफ जा रहे हैं, तो आपके जो पड़ोसी अंकल हैं, वो जब बाहर निकल के आएंगे तो एक सवाल जरूर पूछेंगे कि बेटा ये तो इलेक्ट्रिक से चलती है, यानी बैटरी से चलती होगी, और जब बैटरी से चलती है तो जब बैटरी खराब हो जाएगी तब क्या करोगे। तो उसका जवाब ये है कि जो इंडिया में स्कूटर चलती है, जो नॉर्मल ट्रेडिशनल स्कूटर होती है, वो एक साल में तकरीबन 5 से 7 हज़ार किलोमीटर चल जाती हैं। और एथर की जो बैटरी है, वो इस तरीके से डिज़ाइन करी गई है कि ये 40 से 50 हज़ार किलोमीटर तक आराम से चल सकती है, और उसके हिसाब से एक बैटरी जो है वो तकरीबन 6 से 7 साल कहीं नहीं गई। और ऊपर से एथर ने इसकी बैटरी पर 3 साल की वारंटी भी दे दी है, तो उससे आधा काम तो आपका वैसे ही आसान हो जाता है। लेकिन सीधी बात करूं कि अगर बैटरी ख़राब हो जाती है और अगर उसको रिप्लेसमेंट करवानी पड़ती है, तो खर्चा कितना आता है, तो सीधा जवाब ये है कि अगर आपको इसकी बैटरी बदलवानी पड़ेगी तो इसका खर्चा तकरीबन 45 से 50 हज़ार के करीब आपको पड़ जाएगा। अब बैटरी के जीने मरने की तो बात हो गई कि बैटरी कब खत्म होगी, कितने का खर्चा देके जाएगी, लेकिन एक सवाल शर्मा जी जरूर पूछेंगे, और वो ये है कि भाई मैं तो 5th फ्लोर पर रहता हूँ, मैं स्कूटर को चार्ज कैसे करूँगा, और अगर मैं चार्ज करता हूँ तो मेरे पास क्या ऑप्शन है उसके लिए। देखिए, शर्मा जी के जो सवाल होते हैं वो बचपन से लेकर आज तक हमेशा सही ही रहे हैं, और आज वाला ये सवाल भी मुझे वैलिड ही लग रहा है, क्योंकि ये चीज़ कमी तो है एथर के अंदर कि इसकी जो बैटरी है उसको आप लोग रिमूव करके अपने घर पे ले जाकर चार्ज नहीं कर सकते, जैसे पहले स्कूटर्स में आता था। लेकिन इसका भी उपाय एथर ने दे दिया है, क्योंकि एथर ने आपको 3 ऑप्शन दिए हैं जिससे आप लोग इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार्ज कर सकते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आपको इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ एक होम चार्जर दिया जाता है, जो कि एक एसी चार्जर होता है, जो डीसी में कन्वर्ट करके स्कूटर को चार्ज करता है। वो होम चार्जर एथर वाले आपके घर पे लगा कर चले जाते हैं, और जब आप लोग अपने ऑफिस से आते हैं या फिर अपने काम से आते हैं, तो रात में आके अपनी स्कूटर को चार्ज कर पाएंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि एथर ने आपको एक ऑप्शन दिया है कि पोर्टेबल चार्जर आप ले सकते हैं, जिसकी कॉस्ट जो है वो अलग पड़ती है अगर आप उसको खरीदना चाहते हैं। उसके लिए आपको तकरीबन 11,000 रुपये देना पड़ जाएगा अगर आप लोग एक पोर्टेबल चार्जर लेते हैं। लेकिन उसमें आसानी ये रहती है कि मान लीजिए आप लोगों ने घर से चार्ज कर ली, लेकिन आप लोग कहीं लंबा ट्रैवल कर रहे हैं, किसी दूसरी सिटी में जा रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग अगर पोर्टेबल चार्जर को कैरी करेंगे तो ईजिली स्कूटर को चार्ज भी कर पाएंगे। तो ये हो गया दूसरा तरीका। लेकिन तीसरा तरीका ये है कि एथर ने अपने ग्रिड्स लगा रखे हैं, यानी अपने चार्जिंग स्टेशन लगा रखे हैं, जहाँ पर आप लोग एटलीस्ट सेप्टेम्बर तक जाकर रिपोर्ट्स के हिसाब से वहां पर फ्री चार्ज कर सकते हैं। लेकिन सितंबर के बाद ये बताया जा रहा है कि एथर इस पे आपके पैसे चार्ज करने लगेगा, और वो तकरीबन 50 रुपये के आसपास ही होगा, जो बहुत कम है इसकी रेंज को देखते हुए, तो काफ़ी सस्ता ऑप्शन रहेगा। तो ये 3 ऑप्शन है जिससे आप लोग इस एथर की 450X स्कूटर को
चार्ज कर सकते हैं। तो अब तीसरा सबसे बड़ा सवाल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर सभी ने मुझसे पूछा, और वो ये था कि इस इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने में कितना टाइम लगता है, और अगर आप लोग इसको चार्ज करते हैं तो इस पर कितना खर्चा आता है। तो ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो एथर ने चार्ज करने के आपको तीन तरीके दिए हैं, लेकिन अगर आप लोग इनमें से पहला वाला जो चार्जिंग ऑप्शन है उसको यूज करते हैं, यानी घर पर स्कूटर को चार्ज करते हैं होम चार्जर से, तो फिर आपको इसको पूरा चार्ज करने में तकरीबन 4.5 से 5 घंटे लग सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग पोर्टेबल चार्जर यूज करते हैं, यानी जिसको आप लोग लेकर ट्रैवलिंग कर सकते हैं, उस चार्जर को अगर इस्तेमाल करेंगे तो तकरीबन 5 से 5.25 घंटे लग जाते हैं इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को पूरा चार्ज करने में। लेकिन अगर आप लोग इस स्कूटर को चार्जिंग स्टेशन पर लेके जाते हैं, एथर की ग्रिड पर लेके जाते हैं, तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को 0 to 100% आप लोग सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा से 1 घंटे 15 मिनट के अंदर पूरा का पूरा चार्ज कर पाएंगे। अब आते हैं सीधी बात, यानी खर्चा कितना आएगा, बिजली कितनी लगेगी इसको चार्ज करने के लिए। तो देखिए, अगर आप लोग घर पर चार्ज कर रहे हैं तो ये एथर की इलेक्ट्रिक स्कूटर 3 kWh की बिजली को यूज करती है, और अगर आपके एरिया में यानी आपकी सिटी में अगर बिजली का रेट यानी किलोवाट आर की जो रेट है वो अगर 8 से 10 रुपए है, तो 1 kWh का आपको 8 से 10 रुपए लगेगा, और अगर आप इसको पूरा चार्ज करेंगे तो तकरीबन 30 रुपए लगेगा, यानी सिर्फ 30 रुपए में आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को पूरा चार्ज कर पाएंगे। लेकिन अगर आप लोग स्कूटर को चार्जिंग ग्रिड पर लेके जाते हैं, चार्जिंग स्टेशन पर लेके जाते हैं, तो अभी सितंबर तक के लिए एथर आपको फ्री चार्जिंग दे रहा है जैसा रिपोर्ट बता रही है। लेकिन सितंबर के बाद आपको शायद पैसा भी देना पड़ सकता है चार्जिंग करने के लिए, लेकिन वो पैसा जो होगा वो 100 रुपए के अंदर ही होगा, तकरीबन 40 से 50 के आसपास ही होगा इस स्कूटर को फुल चार्ज करने के लिए। तो ये है इसके चार्जिंग टाइम और इसकी चार्जिंग कॉस्ट, जो आपके लिए जानना काफी जरूरी था। तो अब इतने सारे सवालों के जवाब सुनने के बाद शर्मा जी का बेटा भी कुछ सवाल पूछ के ही जाएगा, और वो आपसे ये पूछेगा कि भैया ये बताओ कि इसको अगर हम लोग एक बार चार्ज करते हैं तो एक बार चार्ज करने में कितने किलोमीटर चलती है। तो इसका जवाब ये है कि ये एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है, और आप इसको फुल चार्ज करते हैं तो कंपनी ने क्लेम किया है कि फुल चार्ज करने के बाद ये स्कूटर तकरीबन 115 से 116 किलोमीटर तक चल सकती है। लेकिन आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो क्लेम रेंज होती है और जो रियल लाइफ रेंज होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, और इसीलिए इसकी जो रियल लाइफ रेंज है उसका मैं आपको आइडिया दे देता हूं, जो 100 किलोमीटर से कम ही होगी। लेकिन वो एक्चुअल में कितनी होगी उसको मैं टेस्ट करके दिखाऊंगा, अगर मुझे टाइम मिल गया तो उसकी वीडियो भी इस चैनल पे नेक्स्ट आ जाएगी, जिसमें मैं आपको इस वीडियो में इस स्कूटर का टेस्ट करके दिखाऊंगा कि एक बार चार्ज करने में स्कूटर कितना चलती है। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि 100 के अंदर यानी 90 के आसपास इसकी क्लेम रेंज यानी रियल लाइफ रेंज निकल कर आ जाती है। जरूर ध्यान रखिएगा कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं या फिर इलेक्ट्रिक स्कूटर होती है, इनकी जो रेंज होती है वो कुछ चीज़ों से इंपैक्ट हो जाती है। उसमें पहली चीज़ यह है कि आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर पर कितना सामान रखते हैं। अगर एक लोग बैठता है तो उस पर अलग माइलेज आएगा, अगर दो लोग बैठते हैं तो उस पर अलग रेंज आएगी, अगर आप सामने सामान रख लेते हैं तो अलग रेंज आ जाती है। उसी तरीके से टायर में कितना प्रेशर है उसके हिसाब से भी रेंज इंपैक्ट आ जाती है। इसी तरीके से कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो रेंज होती है वो काफ़ी इंपैक्ट हो जाती है, और अगर इसको ध्यान रखते हैं और अगर इसको संभाल के चलाते हैं, सही तरीके से चलाते हैं एक नॉर्मल यूज़र की तरह, ज़्यादा ड्राइविंग नहीं करते, ज़्यादा तेज़ नहीं चलाते, तो फिर आपको अच्छी खासी रेंज मिल जाएगी जितना कंपनी क्लेम कर रही है। अब ये एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है तो लोग उसको काफी बेचारगी वाली नजर से देखते हैं कि ये बेचारी इलेक्ट्रिक स्कूटर है, खराब सड़कों पर नहीं चल पाएगी। लेकिन अजी मैंने ऐसा फेस नहीं किया, क्योंकि जब मैंने स्कूटर को चलाया तो नॉर्मल सड़कों पर भी चलाया, इसको खराब सड़कों पर भी चलाया, पॉट होल्स में भी लेकर गया, तो मुझे कहीं ऐसा फील नहीं हुआ कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है या फिर नॉर्मल स्कूटर है। बात जहां आती है बॉडी की, तो इसकी बॉडी तो प्लास्टिक है, लेकिन वो इस तरह की प्लास्टिक नहीं है जो आपको पुरानी इलेक्ट्रिक स्कूटर में मिलती थी, जब आप लोग गड्ढे के ऊपर से लेके जाते थे तो बॉडी बजने लगती थी, आवाज़ होने लगती थी, तो वो सारी चीज़ें इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें आपको अच्छे सस्पेंशन मिलते हैं। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं जो आपको बाइक में मिलते हैं, रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। राइडिंग क्वालिटी थोड़ी सी बाउंसी है, लेकिन वो काफ़ी अच्छी रहती है, आपको ज़रा सा भी फील नहीं होगा कि आप नॉर्मल स्कूटर चला रहे हैं या फिर कोई एक इलेक्ट्रिक स्कूटर चला रहे हैं। तो अगर आप लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का सोच रहे हैं और आपके दिमाग में ये सवाल है कि क्या इसकी राइडिंग क्वालिटी में फ़र्क आता है, क्या आपको लोग इस नज़र से देखेंगे कि बेचारा इलेक्ट्रिक स्कूटर चला रहा है, इसकी राइड क्वालिटी तो बड़ी ख़राब होती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ है। अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे बहुत देर से कि मैं काफ़ी देर से आप लोगों के सवालों के जवाब दे रहा हूं, लेकिन मैंने अभी तक प्राइस की बात नहीं करी कि ये स्कूटर इतने सारे फीचर्स के साथ आ रही है या फिर इसमें इतनी सारी खूबियां हैं, लेकिन इसका प्राइस क्या है या आपके पॉकेट पर कितना असर डालेगी, आइए पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप इस फास्टेस्ट परफॉर्मेंस बेस्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेने का मन बना रहे हैं तो पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि क्या ये स्कूटर आपकी सिटी में मिल भी रही है या फिर नहीं मिल रही है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है एथर जो है अभी तकरीबन सिर्फ 20 से 25 सिटीज में ही अवेलेबल है, जैसे बड़े बड़े शहर बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, अहमदाबाद और दिल्ली जैसे शहरों में मिलती है, और मैं भी दिल्ली से ही हूं, तो मैं इसके प्राइस की बात भी दिल्ली के हिसाब से ही करूंगा। तो अगर आप लोग इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को खरीदना चाहते हैं तो आप लोग इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को पहले बुक करा सकते हैं, जिसका बुकिंग अमाउंट जो है वो रिफंडेबल अमाउंट है जो 2500
रुपये है, जिसको आप लोग 2500 रुपये देके एक रिफंडेबल अमाउंट जो है कंपनी को दे देंगे, तो इससे आप लोग स्कूटर को बुक कर पाएंगे। लेकिन दिल्ली के अंदर अगर मैं सेल्स की बात करता हूँ यानी इसकी वेटिंग पीरियड की बात करता हूँ, तो इसका वेटिंग पीरियड है दिल्ली के अंदर वो तकरीबन 5 से 6 हफ्तों का अभी भी चल रहा है। तो अगर आप लोग एथर को खरीदने का मन बना रहे हैं तो थोड़ा सा इंतजार भी करने का मन बना लीजिएगा। और दिल्ली में इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 1.71 लाख रुपीज है, बट थैंक्स टू फेम टू इंसेंटिव स्कीम, जिसमें आपको तकरीबन 43,500 रुपीज की इंसेंटिव मिल जाते हैं, जिसकी वजह से इसका प्राइस जो है वो और कम हो जाता है। बट इसी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल यानी जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कुछ इलेक्ट्रिक की पॉलिसी सामने लेके आए हैं, जिसकी वजह से जो स्टेट सब्सिडी आपको मिल रही है उसकी वजह से भी प्राइस 14,500 रुपए और कम हो जाता है। तो जिससे जो स्कूटर का फाइनल प्राइस बनता है एक्स शोरूम वो 1,32,000 रुपए के आसपास पड़ जाता है, जिसमें आपको एथर जो है डॉट चार्जर देगा या फिर अगर आप लोगों को पोर्टेबल चार्जर चाहिए तो वो आपको इसमें इंक्लूडेड ही मिलेगा। तो अब आते हैं सीधा मुद्दे पर कि आपको ये इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदनी चाहिए या फिर नहीं खरीदनी चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक पर्सनल सजेशन दे देता हूं कि अगर आप लोग कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर या फिर बाइक या फिर कोई कार लेने का मन बना रहे हैं, तो आप लोग पेट्रोल और डीजल के प्राइस को देखते हुए मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिक की तरफ ही जाइएगा, अगर आपके वो चीज़ बजट में आ जाए। लेकिन जहां तक इस एथर 450X की बात है, तो इसका जो प्राइस है वो थोड़ा सा किसी लोगों को ज्यादा जा सकता है, क्योंकि मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से भी ये बाइक ये स्कूटर थोड़ी सी ज्यादा प्राइस्ड है। लेकिन जहां तक इसके स्टाइलिश लुक की बात आती है, इसके कमाल के फीचर्स की बात आती है और इसकी जबरदस्त उमदा परफॉर्मेंस की बात आती है, तो इसका कोई भी तोड़ नहीं है अभी तक इलेक्ट्रिक स्कूटर में। लेकिन जब तक आप लोग इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है कि ओला इलेक्ट्रिक ने अपनी स्कूटर को लॉन्च कर दिया हो और उसका प्राइस भी बता दिया हो। तो अगर आप लोग वीडियो देख चुके हैं तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि वो स्कूटर कौन सी है, कितने की है, कैसी आने वाली है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ज़्यादा ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर पसंद आई है या फिर ये एथर 450X की स्कूटर पसंद आई है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप वजह भी बता देंगे कि आपको इन दोनों में से स्कूटर कौन सी पसंद आई है और क्यों पसंद आई है, तो बहुत आसानी हो जाएगी। तो बस यही था आज की इस वीडियो में, जिसमें मैंने आपको इस एथर 450X के सभी डाउट्स को क्लियर किया है। आई होप कि आपको और कोई सवाल नहीं होंगे, लेकिन अगर फिर भी कोई सवाल रहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि कमेंट सेक्शन तो आप ही लोगों के लिए है यार, वहाँ पे आपको जवाब मिल जाएगा जो भी आप लोग सवाल करते हैं। लेकिन अगर आप लोग इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव ऑटो कंटेंट देखना चाहते हैं तो अभी के अभी मोटोनॉमिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक बटन दबाने से आपके कोई पैसे नहीं कटेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी इन्फॉर्मेटिव ऑटो कंटेंट के साथ, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड हार्ड।